हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। जिन अभ्यर्थियों ने इसमें फॉरेस्ट असिस्टेंट कंजर्वेटर और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए आवेदन किया था, जिसमें जो टोटल पोस्ट थी 137 थी, तो उसका जो ये जो भर्ती हुई थी दोस्तों वो 05/2017 से लेकर 1/6/2017 तक हुई थी। इसके आवेदन जो आप लोगों ने किए थे, तो उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी हो चुकी है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com और जो पोस्ट है UPPSC रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एडमिट कार्ड 2018। आप हमारी जो वेबसाइट है gayatrijobs.com वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो है A/3E1/2017। तो उस एडवर्टीजमेंट में भर्ती हुई थी जिसमें रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की 120 पोस्ट थी और असिस्टेंट कंजर्वेटर की जो पोस्ट थी वो 17 थी दोस्तों। तो उसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो 28 अक्टूबर 2018 को होने वाला है, प्रीलिम्स रिटर्न एग्जामिनेशन। तो उसका जो एडमिट कार्ड हमने यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है UPPSC रेंज फॉरेस्ट कंजर्वेटर ऑफिसर एडमिट कार्ड 2018, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है तो आप इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो नोटिस है यहाँ पर नोटिस लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ जो आप देख सकते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड सेक्शन जो दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के जितने भी एडमिट कार्ड जारी होते हैं वो सब इस लिंक पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। इनका जो दूसरा पेज है वो यहाँ से आप ओपन हो जाएगा और अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के और जेंडर डाल के अपना वेरिफिकेशन कोड जो दिया हुआ है वो डाल के एडमिट कार्ड डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। जैसे इसका जो एडमिट कार्ड है वो जारी होंगे दोस्तों, तो उससे पहले भी हम आपको अपना जो ये पोस्ट है इस पर डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करके अपना सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की, तो यहाँ पर हमने पूरी जानकारी दी हुई एग्ज़ाम पैटर्न की। इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर जो रहेगा जनरल स्टडी का रहेगा, 200 मार्क्स 200 ही क्वेश्चन रहेंगे, इसमें ड्यूरेशन 120 मिनट की रहेगी। सेकंड पेपर जो रहेगा उसमें जनरल स्टडी का 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स रहेंगे, ड्यूरेशन 120 मिनट की रहेगी। और जो ये मेन एग्ज़ाम रहेगा इसका, उसमें पेपर फर्स्ट में जनरल हिंदी एंड एफिशेंसी एंड SC का 200 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें 120 मिनट की आपका टाइमिंग रहेगा। ऐसे ही सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आप सब यहाँ से देख सकते हैं, टोटल 1400 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद उसमें सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इन सब्जेक्ट पे आपका जो क्वेश्चन है वो आएंगे दोस्तों। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका जैसे रिजल्ट जारी होगा उसके बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कैसे आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो का लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।